हेलो गाइस, वेलकम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैडी अंकित ब्लॉग विद द इंजीनियर ऊपर। आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज है संडे का दिन और आज हम आए हैं बिरसा मुंडा पार्क धनबाद में घूमने के लिए। बिरसा मुंडा पार्क जो कि धनबाद में हीरक रोड बाईपास के तरफ में है। ठंड में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं क्योंकि अच्छा पार्क है। धनबाद में वैसे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है ठंड में, खास करके घूमने की। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या है बिरसा मुंडा पार्क में। यहाँ पे वैसे आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगा, बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह हैं, तारामाची हो गया, ब्रेक डांस हो गया, ये सारा कुछ भी है यहाँ पे घूमने के लिए। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। तो चलिए आइए फटाफट हम देखते हैं क्या क्या है बिरसा मुंडा पार्क में। तो वीडियो इन्जॉय कीजिए आप एंड तक ज़रूर, ताकि आप धनबाद अगर कभी घूमने के लिए आएँ तो धनबाद में आपको पता हो कि टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम मेन गेट से कर चुके हैं एंटर बिरसा मुंडा पार्क के अंदर। और अब सबसे पहले आप एंटर करने के बाद देखेंगे दोनों साइड में पार्क्स वगैरह हैं। मैं आज यहाँ पे अपने फादर, अपनी मदर और अपने मामा के साथ आया हूँ। सो मामा आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। मामा आए थे घूमने के लिए तो हमने सोचा कि धनबाद का टूरिस्ट प्लेस घुमाते आज। तो चलिए देवई देख रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड में पार्क मिलेगा आपको जिसमें कि बच्चे वगैरह खेलने का जगह है। आप पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी आ सकते हैं। दिसंबर में यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो इस तरह सामने की तरफ लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा और पार्क मिलेगा जिसमें कि झूले वगैरह लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों के जंप करने के लिए लगा है एक झूला जिसमें छोटे बच्चे जंप करते हैं। प्लस सामने की तरफ में और भी झूला लगा है। राइट साइड में ड्रैगन ट्रेन लगा है। लेफ़्ट साइड में आपको एक तारामाची दिखेगा, तारामाची और ब्रेक डांस है वो भी परमानेंटली लगा हुआ है। कभी भी आप यहाँ पे आएंगे तब इन्जॉय कर सकते हैं। वैसे तो आपको दुर्गा पूजा के मेला वगैरह में मिलता है या फिर डिज्नीलैंड में ही मिलता है, बट यहाँ पे सालों भर लगा रहता है तो आप यहाँ पे जब भी आएंगे आप इन्जॉय कर सकते हैं आराम से। बच्चे का मिकी माउस भी लगा हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाव भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। बच्चों के लिए छोटा है और बड़ों के लिए बड़ा वाला नाव भी है। ये मेरे पापा इंजॉय कर रहे हैं, ये घोड़ा वाला, ये राउंड है जो कि घूमता है। बट हमें घूमने का शौक़ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मस्ती होती है, छोटे बच्चे घूमते हैं, छोटे बच्चे के लिए बहुत सारा झूला है। वाह, मेरे मामा जी हैं वो भी मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ अच्छा मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं, मस्ती कीजिए। ठंड के मौसम में तो आइए, पूरा धूप रहता है तो अच्छा भी लगता है धूप में रहना। बच्चों के लिए झूला वगैरह है तो बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है। बड़े आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। तारामाची वगैरह में भी कोई झूल नहीं रहा है। सामने की तरफ में रेस्टोरेंट वगैरह भी है दो तीन, तो आप यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं, फास्ट फूड ही खाने के लिए जा रहे हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज गया है, हमें भी थोड़ा भूख लगा है। तो देखते हैं फास्ट फूड में क्या है। क्या है नाम है, टेस्टी सेकेंड वाइफ। ओ चलिए आइए देखते हैं क्या बना रहे भैया। अच्छा, ये चाउमीन बना रहे हैं, चलिए हम भी चाउमीन ही ऑर्डर करते हैं, चाउमीन और मंचूरियन। सो भैया कैसे है चाउमीन और मंचूरियन? भैया चाउमीन तो 30 रुपये प्लेट है और मंचूरियन 120 रुपये प्लेट। तो यहाँ पे हमने चाउमीन और मंचूरियन लिया है, हम 4 लोग थे, हाफ प्लेट चाउमीन और मंचूरियन जो कि 120 रुपये प्लेट है। और भी हमने पूछा है, यहाँ पे एग रोल्स वगैरह भी मिल जाएगा, एग रोल मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, पेटीज़ वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। सामने तरफ टॉय ट्रेन जा रहा है, टॉय ट्रेन का एक व्यू हम आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट के जस्ट सामने से ही। टॉय ट्रेन एक्चुअली चारों तरफ राउंड मारता है, इस तरह से बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी है। और अब तारामाची में कुछ लोग घूमने के लिए आए, तारामाची भी चल रहा है ऑपरेशन में, प्लस ब्रेक डांस भी आप देख रहे होंगे नीचे साइड। सामने ऊपर की तरफ एक छोटा सा ब्रिज टाइप का, इसको क्रॉस करके आप नेक्स्ट साइड जा सकते हैं। इसके नीचे एक्चुअली बोटिंग का बना था बट यहाँ पर बोटिंग शुरू नहीं हुआ। बोटिंग के लिए पानी वगैरह डाला गया था अभी, बट पानी वगैरह सूख गया है तो बोटिंग अभी ऑपरेशन में नहीं है। तो हम पुल क्रॉस करके उधर साइड जा रहे हैं, उधर साइड। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी हरियाली है, ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे आराम से बैठिए, चिल मारिए, पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। ठंड के मौसम में बहुत लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, कपल स्पॉट भी है, बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते भी आते हैं, बहुत सारे लोग रील्स वगैरह बनाते बनाने आते हैं, यूथ वगैरह आप सामने भी देख रहे होंगे, बच्चे रील्स बना रहे हैं। तो इस तरह सामने की तरफ फिर हम लौट रहे हैं, उस साइड में एक गार्डन मिलेगा आपको। इस गार्डन में बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे वगैरह डिज़ाइन किए गए, जैसे ये आप देख रहे हैं बत्तख, और ये शिवलिंग है, शिव जी का जो शिवलिंग होता है वो बनाया गया, पीछे की तरफ में बत्तख है, तो पेड़ से ही बत्तख बनाया गया, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन किया गया है। इसको मेंटेन किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, मेरे मामा फोटोग्राफी करा रहे हैं, इस तरह हम मस्ती कर रहे हैं, पूरी फोटोग्राफी चल रही है। एक मेरे मामा है, एक मेरे फादर है, मेरे मामा BSF में है, और मेरे पापा जो कि कंप्यूटर के टीचर है स्कूल में। इस तरह से बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, सामने झूला वगैरह भी है, चलिए आइए, मैं जा रहा हूँ थोड़ा झूला झूलने। तो बचपन की यादें हैं ये सब, हमने अच्छा खासा एंजॉय कर लिया, शाम के 3-4 बज गए हैं, अब हमें निकलना भी है, थोड़ा लंच वगैरह कर ले, हम तो दोपहर में आए थे तो लंच वगैरह नहीं हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कुत्ता क्या खोज रहा है डस्टबिन में, शायद कुछ खाने का खोज रहा हो। फिलहाल हम लौट रहे हैं, लौटते वक्त रिटर्न साइड में आपको एक रोज़ का गार्डन मिलेगा, रोज़ गार्डन है, इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ के रोज़ अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स के, रेड, वाइट, येलो, पिंक एंड ऑल, अच्छा है रोज़ गार्डन भी। अभी बहुत ज़्यादा रोजेज़ है नहीं, उनको अभी मेंटेन किया जा रहा है, गार्डनिंग वगैरह हम देख रहे हैं चल ही रही है। ये देखिए, अच्छा लग रहा होगा फ़ोटो आपको, सिनेमैटिक व्यू लिया है मैंने अपने आईफोन से, मैं वैसे आईफोन 11 यूज़ करता हूँ, उससे अच्छा सिनेमैटिक व्यू आता है, तो व्लॉगिंग के लिए मेरे को आईफोन सबसे बेस्ट लगता है। तो हमारा दिन अच्छा रहा, अच्छा खासा घूम लिया हमने, अच्छा खासा मस्ती करा हमने, अच्छा खासा फ़ोटोग्राफी करा हमने, और आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा अच्छा लगे, बट शेयर कीजिएगा वीडियो, जो लोग धनबाद में टूरिस्ट प्लेसेस खोजते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।